तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम बनाएंगे सॉलिडवर्क्स में ये एक छोटी सी ड्राइंग है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमारे को क्या क्या चीजों करने की जरूरत है वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम सॉलिड वर्क्स खोलते हैं तो हमारे पास यही स्क्रीन आती है। हमने क्या किया, हमने एक न्यू फाइल खोली, पार्ट में किया, ओके किया, तो ये हमारे पास ये प्लेन आ गया। इन तीनों प्लेन्स को मैं हाइड कर सकता हूँ और मुझे ड्राइंग बनानी है ये। तो पहले मैं क्या कर रेक्टेंगल बनाऊंगा 110 बाय 110 का। तो मैंने कहा फ्रंट प्लेन पे मुझे एक स्केच बनाना है 110 बाय 110 का। ओरिजिन से यहां तक 29 है और यहां से यहां तक भी 29 है। ठीक है, ये रेक्टेंगल, ये 29 दे रखा है, ये भी 29 दे रखा है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट ये। और इसको अगर जी मैं फीचर में जाके एक्सट्रूड कर दूं तो इसकी वैल्यू है 15। ये 15 दे रखा है नीचे वाला बेस। ठीक, जी ये 15 है। ठीक है, इसको डायरेक्शन यहां से चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक। कभी भी किसी भी स्केच को मॉडिफाई करना हो तो स्केच पर राइट क्लिक करके एडिट स्केच करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, डायमेंशनों को प्रॉपर सही जगह पे रखो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जब हम स्केच से फिनिश करने से पहले देखो कि ये ब्लैक हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये ब्लैक नहीं हुआ तो हमारे को कुछ ना कुछ गलती कर चुके हैं हम ऑलरेडी। जी ठीक है, यहां से ये जो आंख बनी हुई है यहाँ पे रिलेशन है व्यू स्केच रिलेशन। तो कौन सी लाइन वर्टिकल है, कौन सी लाइन हॉरिजेंटल है, कौन सी लाइन इक्वल है, वो रिलेशन हमारे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हाँ, ये मैं रेक्टेंगल करते वक्त ये पहले से आता है मेरे, मैं ड्राइंग जब करता हूँ ना। हाँ, तो इसको यहां से बंद कर सकते हैं, यहां से व्यू स्केच रिलेशन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, फिनिश करेंगे तो ये जी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो और अब मेरे को ये ऊपर वाली चीज बनानी है इस फेस पे। तो फेस पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट न्यू स्केच, ये एडिट स्केच है, ये न्यू स्केच है, स्टार बना हुआ है ना, तो न्यू स्केच जी करेंगे, सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे कितने का, 24 रेडियस का, एक 30 डाई का, 10:30 एक है 30 का और एक है 24 × 2। तो इसकी डायमेंशन को मैं लेटर में जाके रेडियस कर, तो ये 30 डाया है और ये 24 का रेडियस है। ठीक, इधर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो सर्कल हैं, एक 8 का रेडियस है, एक 10 का डाया है। दस का तो एक 10 का डायामीटर है और एक 8 का रेडियस यानी 16 का डायामीटर। इसका सेंटर से गैप है 68, तो यहां से यहां तक डायमेंशन है 68। ठीक है, नहीं अभी ये फुली डिफाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों कंट्रोल दबा के हॉरिजेंटल होने चाहिए। तो ये ब्लैक हो गया, अगर ब्लैक हो गया तो हमने सही बनाया, अगर ब्लैक नहीं हुआ तो हमने सही नहीं बनाया। दो सर्कल यहाँ, एक 10 का रेडियस है, एक 10 का डायमीटर है, दस करना एक सर्कल 10 का डायमीटर है और एक सर्कल 10 का रेडियस है।
ठीक है, तो जो रेडियस है उसको रेडियस कर दो, जो डायमीटर है उसको डायमीटर रहने दो। ठीक है, ब्लैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों का सेंटर पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट वो वर्टिकल होता है। होना चाहिए। अभी भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 66 की डायमेंशन भी देनी पड़ेगी। तो स्मार्ट डायमेंशन, दो पॉइंटों पर क्लिक करो और 66 की डायमेंशन। ठीक है, जी अब मुझे एक ये लाइन लगानी है। मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन लगाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा बड़ी सारी, और कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर दिया, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर दिया। बार क्लिक कर दो तो कमांड छूट जाती है। एक्स्ट्रा चीज को मैं ट्रिम में जाके ट्रिम कर सकता हूं। ओके, फिर मैंने एक लाइन यहां से सीधी लगानी है, तो ए वाले पॉइंट से एक सीधी लाइन यहां तक लगा दी। ये कोई डिमेंशन नहीं देनी पड़ेगी, ये अपने आप फुली डिफाइन होनी चाहिए। अगर सही जगह पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप फुली डिफाइन होगी। जी एक लाइन ली इस पॉइंट से यहां तक, कमांड ले ली, और स्मार्ट डिमेंशन यहां से यहां तक 23। ठीक है, आंखें खोल के ये एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे, और कंट्रोल दबा के दोनों को टेंजेंट कर देंगे, फालतू की चीज को ट्रिम कर देंगे। फालतू की चीज को ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम। ओके, ये रेडियस 40 का है, ये रेडियस 10 का है। इनपुट फिलेट लेंगे, ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, 40 लिखेंगे, ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ओके ओके। डायमेंशंस को सही जगह पे रख लो आराम से। ठीक है, जी डायमेंशन सही जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, ये 24 का रेडियस है। फिनिश करेंगे तो ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। एक्सट्रूड कमांड लो फिनिश करके। कितना एक्सट्रूड करना है जी? ये हमारे को ये 15 है या 20 है, तो यानी 5 हो गया, तो इसको जी 5 कर दो। ओके, ठीक है। अब मेरे जी को अगर ये सेक्शन व्यू देखना है, ये यहां से सेक्शन व्यू रखा है, ये देखो ए लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से सेक्शन व्यू लेके ये प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर जी दो तो ये ऐसे सेक्शन व्यू दिखा रहा है। जब सेक्शन व्यू है तो यहाँ पे कीप कैप कलर्स ऑन कर देंगे, और कलर जो भी आपको चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, प्रव्यू जी करके देख सकते हैं, इसको सेव कर लेंगे, ये सेक्शन व्यू सेव हो गया। ठीक है, जी ये सेक्शन व्यू यहाँ पे आ गया। ठीक, तो अब मैं यहां से खोल के कभी भी सेक्शन व्यू देख सकता हूँ, यहां से बंद भी कर सकता है। फिर इस जी फाइल को, मॉडल को अच्छे से रख के सेव करता हूँ। इसका है ड्राइंग नंबर 35। ठीक है, ड्राइंग नंबर 35 सेव कर लो। यहाँ पे जाके फिट है, ये फिट जी स्क्रीन में फिट हो जाए।
इसको सेव कर लो, ठीक है। मेक ड्राइंग जी फ्रॉम पार्ट, अगर मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट करेंगे तो ये ड्राइंग आ जाएगी। यहां से टॉप भी लो, यहां पे रख दो, यहां से इसको यहां पे रख दो, ओके कर दो। खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे फर्स्ट एंगल कर देंगे, तो ये जैसा ड्राइंग में है वैसा नजर आने लगेगा। जी इस व्यू को पकड़ के मैं यहाँ से रोटेट करके देख सकता हूँ। इस व्यू को मैं यहाँ से शेड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जी ये जो व्यू आया है इसको मैं यहाँ से, डिफॉल्ट है ये हमारे पास, हमारे को कौन सा व्यू चाहिए, हमारे को ये व्यू नहीं चाहिए एक्चुअली, इसको डिलीट कर दो। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे को यहाँ से सेक्शन व्यू करना है। सेक्शन व्यू में जाएंगे हॉरिजेंटल और ये पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर जी देंगे, तो ये हमारे को सेक्शन व्यू नजर आने लग जाएगा, ए सेक्शन। फिर ए रोटेशन में जाके मॉडल आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ओके। मॉडल आइटम पे जाके इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ओके। डायमेंशनों को प्रॉपर सही जगह पे रख लेना। ठीक है, अगर जी कोई डायमेंशन किसी के ऊपर आ रही है तो उसको ठीक करना है, ठीक है। ये ज्यादा दूर लग रहा हो तो इसको नजदीक करना, ठीक है। ये डायमेंशन एक दूसरे की सीध में होनी चाहिए, ठीक है। ये 68 ज्यादा दूर लग रहा है तो इसको नजदीक कर लो, 100 को भी नजदीक कर लो, ठीक है। ऐसे प्रॉपर सही सुंदर नजर आनी चाहिए। फिर यहां से जी फिट करके इस फाइल को सेव कर लो, ठीक है। ड्राइंग नंबर 35 सेव। ठीक है, फिर अगर कभी भी मॉडल को खोलना है तो मॉडल पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये मॉडल, कभी भी किसी भी डायमेंशन को चेंज करना है तो उस पर डबल क्लिक करो, 68 को 70 जी करो, ये 70 हो गया। वापस विंडो से शीट में आएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये हमारे को 70 हुआ मिलेगा। आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, इस पर डबल क्लिक करो, 68 कर लो, ठीक है। ये मॉडिफाई नहीं हुआ, ये जी रेड रेड हो गया तो यहां से रीबिल्ड दबा देना है, रीबिल्ड, रिवील ठीक है। तो ये मॉडिफाई हो जाए, इसको सेव कर लो, सेव ऑल, यस, ठीक है। जी ठीक हो गया। अगर मेरे को इसको किसी को मेल करना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे कमांड है पैक एंड गो, या इसको ऐसे करो, फाइल में जाओ, इसको पब्लिश कर दो, पब्लिश टू ई ड्राइव, ठीक है, और जी ओके कर दो। तो उससे फायदा क्या होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है ई ड्राइंग, उसमें जाके ये सेव हो जाएगी। अब अगर मैं यहां से एनिमेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये अपने आप प्ले होके हमारे को सारे व्यू दिखाएगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू,
मुझे एक एक करके करना नहीं पड़ेगा। सेक्शन व्यू देखना है तो सेक्शन व्यू भी दिखा देंगे। ठीक है, जी अगर मुझे सेक्शन व्यू नहीं देखना तो बंद कर दो। मास प्रॉपर्टी देखनी है तो मास प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। ठीक है, एनिमेशन को बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको पकड़ के भी घुमा के देख सकते हो, यहां से वायर फ्रेम करके देख सकते हो। ठीक है, तो जब भी किसी को मेल जी करनी है तो उसको आप ये ई ड्राइंग वाली फाइल जो है मेल कर सकते हो। जी अगर जी जी मेरे को यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है, टैब होती है ए नोटेशन की, एनोटेट। एनोटेट में क्या होता है कि आप यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो 3D में, कि इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन कितनी है। ठीक है ना, स्मार्ट डायमेंशन लेके जो भी चीज की डायमेंशन देना चाहते हो आप वो यहाँ पे दे सकते हो। इससे फायदा क्या होता है कि आप किसी भी चीज की डायमेंशन जो है वो दे सकते हो यही 3D में। जी स्मार्ट डायमेंशन, ये फेस, ये फेस, ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन आप दे सकते हो। अगर आपको कोई सरफेस फिनिशिंग का सिंबल देना है, वेल्डिंग का सिंबल देना है तो वो भी दे सकते। तो आपको पॉलिश करना है या आपको मशीनिंग करनी है, वो सारी चीज के आप सिंबल यहाँ पे लगा सकते जी हो। ठीक, कितनी टॉलरेंस देनी है वो सब कुछ आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, टॉलरेंस देनी है कि नहीं देनी है, अगर नन कर देंगे तो हट जाएगा, पॉइंट के बाद अगर 0 नहीं देखनी तो नन कर। ठीक, जी और फिर इसको जब सेव करेंगे, पब्लिश टू ई ड्राइंग करेंगे, ओके करेंगे, तो ये ई ड्राइंग में भी हमारे को ये सारी डायमेंशनें जो है नजर आएंगी। ठीक है, जी अगर आपको ए नोटेशन नहीं देखनी तो यहाँ पे ए नोटेशन व्यू बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट वाली देखनी है, टॉप वाली देखनी है, या देखनी ही नहीं। ठीक है, जिसको ऑन कर देंगे वो नजर आएगी। ओके अगर मैं कभी भी इसको मॉडल में जाके मटेरियल दे देता हूँ, कोई भी ब्रास दे दिया या कोई भी निकल दे दिया या कोई भी कास्ट अलॉय दे दिया, तो इवेल्युएट में जाके मास जब चेक करेंगे तो उसी के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे जाके रिमूव मटेरियल कर देता हूँ तो मटेरियल रिमूव हो जाए, तो मैं मास प्रॉपर्टी में जाके ऑप्शन में जाके अपनी मर्जी से कोई भी डेंसिटी भर के
उसका वेट निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं गूगल पे जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं कार्बन डेंसिटी, ठीक है, तो ये कार्बन की डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये मॉडल हमारे को कार्बन में चाहिए तो उसका कार्बन का वेट आ जाएगा। अगर मुझे ये चाहिए टंगस्टन कार्बाइड, है ना, डेंसिटी, तो ये कार्बन टंगस्टन कार्बाइड की आ जाएगी। तो ये डेंसिटी अगर मैं सॉलिड बॉक्स में डाल दूं, ऑप्शन में जाके यहाँ पे, तो और यहाँ ग्राम की जगह किलोग्राम कर दूं, तो ये किलोग्राम में इसका वेट आने लग जाएगा। जी ठीक है, बात समझ आई। अगर जी मैं इसको एडिट मटेरियल करके कोई, जैसे वुड होता है, या कोई भी मटेरियल दे देता हूं, टीक दे देते हैं, ठीक है, जी और इसको कर देते हैं सेव, और इसको कर देते हैं ई ड्राइंग में पब्लिश। ठीक है, तो जब हम ई ड्राइंग खोलेंगे तो ये वुडन में हमारे को नजर आएगा। ठीक है, तो जो मटेरियल हम जी डिफाइन कर देंगे वो उसी मटेरियल में नजर आएगा। जिस डायमेंशन पर क्लिक कर दूंगा तो वो दिखाएगा भी कौन सी डायमेंशन है। समझ आई बात? तो जी अगर ड्राइंग बनेगी नहीं तो हम ई ड्राइंग, तो बड़ी दूर हो गई है ना बात। तो पहले ड्राइंग बननी चाहिए, जी उसके बाद सही बननी चाहिए, उसके बाद जी ई ड्राइंग में पब्लिश करनी है। ठीक है, बात समझ में आई? जी तो ई ड्राइंग में हम तभी पब्लिश कर पाएंगे जब हमारे पास होगा। ठीक है, जी मास चेक कर सकते हैं, और वेट चेक लास्ट कर में सकते। एक एक सवाल, मैं आपको DXF फाइल भेजूंगा, वो थोड़ा आप एक बार मुझे कर दीजिए। तो ये जो हमारी ड्राइंग है, ये जो हमने शीट बनाई है, इसको सेव करेंगे, फाइल सेव एज, यस, और यहाँ पे DXF कर देंगे। ठीक, कहाँ पे सेव करना है? डॉक्यूमेंट में सेव। अब क्योंकि हमने इसको वुड कर दिया है ना, तो इसलिए इसकी हैचिंग भी जो है वो वुडन में ही हो गई है। तो अगर मुझे इसकी हैचिंग जी ठीक करनी है तो यहाँ पे हम हैचिंग पे क्लिक करेंगे, मटेरियल को बंद करके यहाँ से हम हैचिंग चेंज कर सकते हैं। भाई आपको कैसी हैचिंग चाहिए? ठीक है, अलग अलग तरीके की हैचिंग है। ठीक है, तो जो भी आपको जी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका मटेरियल वो था तो इसलिए वो आ रही थी वैसे। जी ठीक है, खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट शीट फॉर्मेट करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं।
इसको आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर लो, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर दो और साइज जो है बड़ा कर दो, ठीक है। और इस टेक्स्ट को सेंटर में ला के यहां से फिनिश कर दो, ठीक है। एडिट शीट फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके इसको कर देंगे डिस्प्ले नोट बिहाइंड शीट, इस शीट के पीछे होना चाहिए, पीछे ठीक ठीक है। कभी भी हम मॉडल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होती है रेंडर टूल की। रेंडर टूल में क्या है, हम इसको प्रव्यू देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सुंदर उस शेप में, कैमरा कहाँ लगा है, किस डायरेक्शन से आपको देखना है, ठीक है। इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 2 मिनट बचे हुए थे, ठीक है। तो आप किस डायरेक्शन से, किस व्यू में से देखना है वो आप सेटिंग कर सकते हो कैमरे रेंडर की। टूल किधर सेटिंग में किधर होता है सर? ये ऊपर लिखा है रेंडर, इधर किधर सेटिंग किधर से आता ये है सर? रेंडर टूल है, उसको छोड़ो रेंडर टूल, पहले ड्राइंग बनाओ आप। मेरे को आपसे दिक्कत ये है कि जब तक आपकी ड्राइंग नहीं ना बनेगी, ये सब खेले हैं, ठीक है। तो खेल तभी खेल पाएंगे जब ड्राइंग ड्राइंग बनेगी, बनेंगे ये अगर ड्राइंग नहीं है तो सारी फालतू की बातें हैं। तो सबसे पहला काम करो ड्राइंग बनाओ, मॉडल बनाओ, और उसके बाद जो जो मैंने चीजें की हैं वो करके देखो कि आपके कंप्यूटर में हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। जी। तो कल हम अगली ड्राइंग तब बनाएंगे जब ये बन जाएगी, ठीक जी है। नहीं तो और मुझे मत कहना कि आपने पढ़ाया नहीं है ना, तो आप बनाओगे तो हम आगे करेंगे, नहीं तो मजे करेंगे, आप भी मजे करो मैं भी करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक DXF फाइल भेजता हूँ, वो डीएक्सएफ वाली मुझे मैंने ठीक आपको कल सिखाई, आपको वीडियो भेजता हूँ मैं, आप उसको दोबारा करके देखो। वो है ना?